So now, once you are aware of the male and female reproductive systems, now you need to know about their gametes, like sperm and ovum. First, you need to know about their structures and their functions, and you need to know about the comparative analysis of a sperm and an ovum. And after that, you need to know about the menstrual cycle, the whole process of production of a ova in a female reproductive system. So let's have a look on how they work. In our last class, we discussed the male reproductive system, and I told you all the important areas which are there, important parts which are there in the male reproductive system, and what role they are playing in the attributes of male reproduction. And then later on, we discussed the female reproductive system. और आज हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस करनी है उनमें नंबर वन वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पर्म एंड देन वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ओवा एंड देन वी विल हैव अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. आई विल सेंड यू अ चार्ट ऑन दिस जो मैंने पहले से बनाया हुआ जिसको कि आपको याद करना है, और फिर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिटेल डिस्कस करेंगे. सो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पर्म. बेटे जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है, स्पर्म के स्ट्रक्चर में बिल्कुल टॉप पर आपको एक पार्ट नजर आएगा दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम. ये जो ऊपर टॉप पर आपको एरिया नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड हेड. इसको हेड बोलते हैं. तो यहां पर हमारे पास ऊपर वी हैव दिस हेड पार्ट, और हेड पार्ट के अंदर बेटे इनसाइड दिस हेड हमारे पास यहां पर ये चीज क्या मौजूद है, न्यूक्लियस. दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्रोसोम. एक्रोसोम अभी मैं आपको बताता हूं कि इनका बारी बारी के इनका काम क्या है. एक्रोसोम, उसके बाद ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, दिस इज इसको एक्रोसोम कहते हैं, ये इसका हेड है. ये वाला पार्ट के अंदर क्या चीज मौजूद है, न्यूक्लियस. उसके बाद यहां नीचे वी हैव अ पार्ट विच इज कॉल्ड मिडिल पीस. दिस इज कॉल्ड मिडिल पीस. और उसके बाद हेयर वी हैव अ थर्ड पार्ट विच इज कॉल्ड फ्लैजेला. क्या हो गया, हमारे पास ये जो थर्ड पार्ट है दिस इज फ्लैजिला. अब फ्लैजिला से क्या होता है, फ्लैजिला से प्यारे बच्चों इसने मूवमेंट करनी होती है और इसने रीच करना होता है आपके. हेलो, इसने रीच करना होता है आपके ओवा तक. तो दिस इज फ्लैजेला. और यहां पर जो मिडिल पीस है, मिडिल पीस के अंदर वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया.
So we have mitochondria here. न्यूक्लियस आपको पता है कि हैप्लॉइड होता है इसका. दिस न्यूक्लियस इज हैप्लॉइड. हैप्लॉइड का मतलब क्या हुआ? इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. हमारे पास ओवरऑल बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं हर सेल में? 46. तो बेटे यहां पर कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23. इसी तरह 23 क्रोमोसोम्स फीमेल गैमेट से आएंगे. ये जो एक्रोसोम होता है इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं प्यारे बच्चों, इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिनका काम होता है ओवा की सरफेस को टियर ऑफ करना और उसके अंदर ये अपना न्यूक्लियस पहुंचाते हैं. राइट, ओवा की सरफेस को टियर ऑफ करना और उसके अंदर ये अपना न्यूक्लियस पहुंचाता है. अब जरा स्पर्म्स के हम एट्रीब्यूट्स देखते हैं. इसका साइज जो है ना वो रिलेटिवली स्मॉल साइज है. कितना स्मॉल साइज है? ऑलमोस्ट 1.6 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है. इसका नंबर वेरी लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर. ऑलमोस्ट ट्रिलियंस ऑफ स्पर्म्स एक इजैकुलेशन के अंदर रिलीज हो रहे होते हैं. ट्रिलियंस ऑफ स्पर्म्स. नंबर थ्री, इसके अंदर मोर माइटोकॉन्ड्रिया. Then ova. Because उसका रीजन ये है, इसने टीयर ऑफ करना है और इसने ओवम ओवा सेल तक पहुंचना है, तो इसीलिए इसके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया वो बहुत ज्यादा होते हैं. देन इसकी एक और जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी है वो ये है कि ये मोटाइल है. ये क्या है? मोटाइल है. इनके पास मोटिलिटी है, ये मूव कर सकते हैं. जो फीमेल गैमेट है बेटे वो मोटाइल नहीं होते, वो मूव नहीं कर सकते. राइट, सो ये बेटे हमारे पास जो अभी हमने आपके सामने इमेज रखा हुआ है, ये इमेज बहुत सारे ढेरों ढेर स्पर्म्स हैं जो कि ओवा की वॉल के साथ जाने के लिए, के साथ टकराने के लिए मूव करें. तो आप ये देखिए कि इसके साइज में और ओवा के साइज में आपको कितना बड़ा फर्क नजर आ रहा है. ये रेशो कितनी कितनी एज्ड है. जी बेटे, आप मुझे उमर जावेद, आप मुझे व्हाट्सएप के इनबॉक्स पे अपना मैसेज, अपना क्वेश्चन लिख के भेजिए अपने ग्रुप में, ठीक है? बिकॉज आई कैन सी सम एक्सटर्नल आईडीज, तो मैं यहाँ पर इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ. अच्छा, अब हम आगे चलते हैं यार, फीमेल गैमेट की बात करते हैं. फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं तो हम आपको इसके बारे में इन डिटेल बताएंगे ये कैसे काम कर रहा होता है. राइट, अच्छा अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर. एंड फंक्शन ऑफ ओवा या एग. तो बेटे जब ओवा या एग को देखते हैं तो हमें ये एक बड़ा सारा, अगर हम इसकी रेशो बना लें और आपको यहां पर हम ड्रॉ करते हुए इस रेशो को फॉलो करें तो ये एक बहुत बड़ा सारा, मतलब इवन अभी भी मैं इसको रेशो के अंदर कंप्लीट नहीं कर सका हूं, बहुत बड़ा सारा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें दो तीन चीजें हैं. नंबर वन, जिसके अंदर न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर भी कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 क्रोमोसोम्स हैं. उसके बाद इसका ये साइटोप्लाज्म है. ये इसका साइटोप्लाज्म आ गया, ये इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस आ गया,
और इसके अलावा इसके सरफेस के ऊपर छोटे 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 सेल्स का एक जाल बिछा हुआ होता है। ये खुद एक सेल है, फर्दर इसके ऊपर छोटे छोटे सेल्स का एक जाल बिछा हुआ होता है और इस जाल को कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ये आपके सिलेबस में है, कोरोना रेडिएटा। जो आपका स्पर्म जब आता है तो उसको इस कोरोना रेडिएटा को टियर ऑफ करना पड़ता है। इस कोरोना रेडिएटा को ये फाड़ता है और फिर इसके अंदर एंटर होता है, राइट? सो ये, अब इसकी अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात कर लें, जैसे हमने ऊपर स्पर्म के बारे में बात की है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बेटे बहुत ही कम नंबर में प्रोड्यूस होते, दे आर प्रोड्यूस वन इन वन मंथ, ठीक है? स्पर्म की निस्बत इनका बहुत ही लार्ज साइज होता है, देन इट हैज मोर साइटोप्लाज्म, इट इज नॉन मोटाइल, इसमें मोटिलिटी नहीं होती है, ये मूव नहीं कर सकता, राइट? और इट स्टेज एक्टिव यानी वर्केबल रहता है फॉर ऑलमोस्ट 6 डेज इन फीमेल बॉडी। 6 दिन तक ये प्रोड्यूस होने के बाद एक्टिव रहता है। जो स्पर्म है वो मेल बॉडी से निकल जाने के बाद इन फीमेल बॉडी टू टू 3 डेज तक एक्टिव रहता है। फीमेल बॉडी के अंदर एक मंथ बस स्पर्म एंटर हो जाए तो 2 से 3 दिन तक प्यारे बच्चों ये वहां पर एक्टिव रहता है, राइट? अच्छा जी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ओवा भी कर लिया, अब हम बेटे बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं बेटे, हमारे पास फीमेल ब्रेन में एक ग्लैंड मौजूद होता है और इस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, और मैं यहां पर बनाने लगा हूं एक ओवरी। पिट्यूटरी ग्लैंड मेल्स में होता है? दोनों में होता है, मेल्स में भी फीमेल्स में, ब्रेन में मौजूद। यहां पर मैं बना रहा हूं एक ओवरी और यहां पर बनाने लगा हूं एक यूट्रस। तो सबसे पहले हमारे पास ओवरी के अंदर प्यारे बच्चों कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, इनका नाम होता है प्राइमरी फॉलिकल्स। दे आर कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल्स, और ये प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होते हैं एक चीज में जो मैं अभी आपको बताता हूं। यहां से आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है और उस हार्मोन को हम बोलते हैं LH। LH, LH से बनता है ल्यूटिनाइजिंग, सॉरी सॉरी FSH। पहले ये रिलीज करता है FSH और FSH से बनता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। कौन से फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है बेटे? ये इन प्राइमरी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। क्यों स्टिमुलेट करता है? ताकि ये सेकेंडरी फॉलिकल्स बन जाएं और सेकेंडरी फॉलिकल के बाद ये एक यूं एक बड़ा सारा ग्राफीन फॉलिकल बन जाए। इसमें ये एग है, 100%
100% याद करने। ये हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल्स थे, ये क्या बन गए? सेकेंडरी फॉलिकल्स, और एज अ रिजल्ट ये हमारे पास क्या बन गया? ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर बेटे ये इसका एग है, ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर आपका एग स्टोर्ड है, ठीक है। जब बेटे ग्राफियन फॉलिकल बनेगा तो आपका ग्राफियन फॉलिकल विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन जो कि आपके यूट्रस के ऊपर जाकर एक्ट करना शुरू कर देगा। इस पे जाकर एक्ट करना शुरू कर देगा यूट्रस के ऊपर, और इस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, और ये एस्ट्रोजन क्या करता है? ये एस्ट्रोजन बेटे यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम बनाने शुरू कर देता है, यूट्राइन लाइनिंग, ब्लड वेसल्स बनाने शुरू कर देता है। यहां मैं नीचे लिखता हूं एस्ट्रोजन स्टार्ट्स फॉर्मिंग यूट्राइन लाइनिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोमेट्रियम। जिसको एंडोमेट्रियम भी कहते हैं, और ये एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन के काम आती है, बाद में इम्प्लांट होता है इसके अंदर। अब ये जो एस्ट्रोजन है ये दो काम करता है, एक तो इसने ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करवाया, दूसरे नंबर पर ये आपके FSH को ब्लॉक भी करा देता है। इट ब्लॉक्स FSH ताकि मजीद, अभी जितनी देर में इस एग का फैसला हो रहा है उतनी देर में कोई मजीद आपके जो एग्स हैं वो मैच्योर होके आगे ना कन्वर्ट हो जाएं, वो मैच्योर होके आगे ना कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। अच्छा, जब ये सारा कुछ हो जाएगा, ये पहले नंबर पर हमारे पास FSH रिलीज हुआ, दूसरे नंबर पर बेटे यहीं से हमारे पास एक और हार्मोन रिलीज होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है, उसका नाम है LH, और LH से बनता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या करता है? ये ओव्यूलेशन करवाता है। मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं इसके काम, ओव्यूलेशन। देखते हैं ये कहां पर जाकर एक्ट करता है। ये जाकर एक्ट करेगा आपके ग्राफीन फॉलिकल पे, और ग्राफीन फॉलिकल क्या कर रहा होगा? ग्राफीन फॉलिकल यूं अटैच हो जाएगा लाइक दिस, यहां पर ये सुराख हो जाएगा, एंड योर ग्राफीन फॉलिकल रिलीजेस द एग दैट वॉज फॉर्म्ड हियर, ये जो एग था ये यहां पर क्या हो गया? रिलीज हो गया। और ये जो एग का रिलीज होना ये क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, तो ये ओव्यूलेशन करवाइए आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जो ग्राफियन फॉलिकल का रिमेन होगा, रिमेन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। ये ग्राफियन फॉलिकल ऐसे यूं कन्वर्ट हुआ, अब ये यहां पर ये इसकी जो रिमेन है, दिस रिमेन इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? ये कॉर्पस ल्यूटियम भी एक हार्मोन रिलीज करेगा। और उस हार्मोन का नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। और ये प्रोजेस्टेरोन भी बेटे
फर्दर आपकी यूट्राइन लाइनिंग को मेंटेन करता है, मजीद वैस्कुलर बनाता है। इसका काम क्या होगा, ये यूट्राइन लाइनिंग को मजीद वैस्कुलर बनाता चला जाएगा, मजीद थिक करेगा और मेंटेन करेगा। मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली इसका काम मेंशन करूंगा कि इसका काम क्या है। इसका काम होता है टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड टू सप्रेस FSH एंड LH बोथ। जैसे आपका एस्ट्रोजन FSH को सप्रेस कर रहा था, बिल्कुल प्यारे बच्चों इसी तरह आपका ये जो प्रोजेस्टिरोन है ये भी FSH और LH दोनों को सप्रेस करके रखता है। जी लगता है कोई हैंड रेज हुआ था। अच्छा जी, अब आई थिंक आवाज आपको मेरी ठीक आ रही होगी। अच्छा तो ये भी क्या करता है, FSH को और LH को दोनों को ब्लॉक करके भी रखता है। मैं यहां से इधर से भी एक ब्लॉक बना देता हूं। एक तो ये LH को ब्लॉक करके रखता है, दूसरा ये FSH को ब्लॉक करके रखता है ताकि ये रिलीज होकर, अभी जैसे पिछले एग का फैसला नहीं हो पा रहा, अभी जैसे पिछले एग का फैसला नहीं हो पा रहा तो ये ना हो कि मीन वाइल ये भी रिलीज हो जाए और एक और एग आ जाए पीछे से, तो फिर अगर वो भी फर्टिलाइज हो जाएगा तो एक टाइम पे यूट्रस में दो डिफरेंट एज के बेबीज नहीं हो सकते, डिफरेंट एजेस के बेबी एग्जिस्ट नहीं कर सकते एट द सेम टाइम यूट्रस के। तो अब बेटे मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुअल कैलेंडर डिस्कस करेंगे। अभी जो अगली चीज हमने डिस्कस करनी है दैट इज menstrual calendar। ये जो menstrual cycle है प्यारे बच्चों, ये आमतौर पर normal females के अंदर normally 28 days का होता है। बट अगर ये वेरी भी करता है तो इसकी वेरिएशन भी नॉर्मल, इसकी वेरिएशन भी कोई अबनॉर्मैलिटी नहीं है। हाँ, टू मच फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन इज एन अबनॉर्मैलिटी, या बहुत ज्यादा डिलेड मेंस्ट्रुएशन इज आल्सो एन अबनॉर्मैलिटी इफ अ गर्ल इज वर्जिन। अच्छा तो नॉर्मली 28 डेज का चलता है। हमें यहां पर यह देखना होगा कि हाउ डू वी स्टार्ट काउंटिंग दीज डेज एंड हाउ वी आर सर्टेन एंड श्योर अबाउट दिस। तो यहां पर हम एक सर्कल बनाते हैं। इस सर्कल में दिस इज डे 1, 2, 3, 4 एंड 5। जिस दिन बेटे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है दैट इज कंसिडर्ड टू बी डे 1। डे 1 वो होता है जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। एंड इट ऑलमोस्ट लास्ट फॉर 4 to 5 days, इट मे वेरी। सो व्हेन देयर इज ब्लीडिंग, अच्छा होता क्या है, ये जब आपका कॉर्पस ल्यूटियम जब तक तो मेंटेन रहता है तब तक तो प्रोजेस्टिरोन निकलता रहता है और एंडोमेट्रियम इंटैक्ट रहती है। जब बेटे आपका ये कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होता है तो प्रोजेस्टिरोन की जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाती है, प्रोजेस्टिरोन की प्रोडक्शन जो है वो रुक जाती है और उसकी वजह से क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई
उसकी वजह से ये सारे का सारा जो एंडोमेट्रियल मटेरियल है, ये जो यूट्राइन लाइनिंग है, ये थ्रू वजाइना शेड होना शुरू हो जाती है, विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, रिलीज ऑफ ब्लड। सो जिस दिन बेटे रिलीज ऑफ ब्लड आ रहा होता है, दैट जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो हम उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड। सो दिस इज मेंस्ट्रुअल पीरियड। उसके बाद डे 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, ये जो हमारे पास पूरे का पूरा पार्ट आ रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड सेफ पीरियड। दिस पार्ट इज कॉल्ड सेफ पीरियड। इसको हम सेफ पीरियड क्यों कहते हैं? अगर इस दौरान इंटरकोर्स हो जाए, स्पर्म्स रिलीज हो जाए, तो बेबी होने का चांस नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अभी वो टाइम है तो दिस इज वन ओवरी एंड दिस इज अनदर ओवरी। ये जो हम सेफ पीरियड की बात कर रहे हैं ना, ये सेफ पीरियड वो टाइम है कि अभी यहां पर ग्राफियन फॉलिकल बना हुआ है और अभी ये ग्राफियन फॉलिकल यहां से बाहर नहीं आया, यहां से बाहर नहीं आया। इसीलिए अगर यहाँ पर स्पर्म इंट्रोड्यूस हो भी जाते हैं, 2 दिन तक उन्होंने बॉडी में रहना, उसके बाद ये स्पर्म्स किल हो जाते हैं, स्पर्म्स मर जाते हैं, राइट? सो एग बाहर ही नहीं आया तो फर्टिलाइज किसको करेंगे? अच्छा, उसके बाद आपको पता है फिर हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऐसा शुरू होता है डे 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। जी सैयद अब्दुल्ला, इनबॉक्स में मैसेज भेजिए, व्हाट्सएप इनबॉक्स में। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पीरियड है, दिस पीरियड इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। ये वाला जो पीरियड है, दिस पीरियड इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। क्यों फर्टाइल पीरियड? बिकॉज ये जो डे 14 है, इस डे 14 पे वी आर एक्सपेक्टिंग ओव्यूलेशन, सो ये फर्टाइल पीरियड है। बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग ओव्यूलेशन डे 14 के ऊपर, ये एग यहां से रिलीज होना है और इधर बाहर आना है, और उसके बाद ये एग यहां से मूव करता चला जाएगा यहां तक। ये यहां से यहां तक जो अपना सफर है बेटे, वो 5 डेज में पूरा करता है। कितने दिनों में पूरा करता है? 5 डेज में। और अगर इन 5 डेज में इसको स्पर्म मिल जाए तो ही फर्टिलाइजेशन होती है, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होती। फर्टिलाइजेशन इन 5 दिनों के अंदर अंदर होनी है। अच्छा, अगर ये एग यहां से मूव कर गया इधर और यूट्रस में ड्रॉप हो गया, बेशक यहां पर एंडोमेट्रियल लाइनिंग होगी, बेशक यहां पे ये सारा कुछ होगा, वंस इट इज ड्रॉप इन साइड द यूट्रस, देन इट विल नॉट फर्टिलाइज, नो मैटर इफ इट इज गेटिंग स्पर्म्स हेयर। सो फ्रॉम डे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28, ये सारे का सारा पीरियड भी प्यारे बच्चों सेफ पीरियड कहलाता है। इस दौरान भी अगर एक मरतबा एग यहां पर ड्रॉप हो चुका हुआ है ना, तो ये अब सेफ पीरियड में आ गया हुआ है। अब यहां पर बेशक स्पर्म्स आ जाएं, वो इस एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकते, नो मैटर इफ स्पर्म्स आर हियर। इसका मतलब क्या हुआ? राइट बिफोर मेंस्ट्रुएशन एंड राइट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन देयर इज अ सेफ पीरियड, एंड राइट इन द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल देयर इज फर्टाइल पीरियड। एंड रिमेंबर, इन दिस फर्टाइल पीरियड व्हेन अ फीमेल ओव्यूलेट्स, तो उसका बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है।
body temperature increases by 1 to 2 degree centigrade. ऐसे लगता है जैसे बुखार की सिचुएशन थोड़ी बहुत फील होती है, टेम्परेचर रेज होता है. सो दिस इज हाउ दिस मेंस्ट्रुअल कैलेंडर वर्क्स. अगर आपको वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दे जो कि मैं आपको कल की ऑनलाइन क्लास में करवाऊंगा, कल मैंने आपको एमसीक्यूज करवाने इस चैप्टर के और इससे पिछले चैप्टर के, कल और परसों फ्राइडे और सैटरडे को हमने एमसीक्यूज करने, राइट? आपको ऑनलाइन कराऊंगा, जो दूसरे इस वक्त ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं उनको लाइव कराऊंगा विजन में. तो अगर वो आपसे पूछता है कि एक खातून है उसका फर्स्ट ऑफ फेब्रुअरी को उसकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है, अजान हो रही है. अच्छा जी, रुक जा. सैयद अब्दुल हमारी क्लास में और उमर भी हमारी क्लास में. अच्छा जी, तो अगर किसी खातून को फर्स्ट ऑफ फेब्रुअरी को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है तो वो पूछेगा कि इसकी ओव्यूलेशन किस दिन होगी. और अगर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है तो मैंने क्या बताया, राइट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुएशन उनको क्या होगी, ओव्यूलेशन होगी. सो शी इज गोइंग टू ओव्यूलेट at 14th of February. So आपने right half of the menstrual cycle count करना है. अगर उनका menstrual cycle 28 days का है तो 14th day के ऊपर ovulation. अगर menstrual cycle 30 days का है तो 15th day के ऊपर ovulation होगी. अगर menstrual cycle 32 days का है तो 16th day के ऊपर ovulation. Right? So, अभी हम जरा देखते हैं अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में. मैं भी आपको इसका स्क्रीनशॉट भी भेजता हूँ और हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं कि आज हमने कहाँ तक चीजें कवर अप कर ली और हमारे पास चैप्टर में क्या क्या रह गया. हमने आइडेंटिफाई कर लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन अभी हमने करनी है, हमने इनका कंपेरिजन कर लिया, मैं भी आपको वो चार्ट शेयर करूंगा. ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन वगैरह के काम हम अपने हार्मोन्स के चैप्टर में कर चुके हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने आज डिस्कस किया जिसमें एफएसएच और एलएच का काम डिस्कस किया. अब हमारे पास रहता क्या है, हमारे पास रहता है नंबर वन हम फर्टिलाइजेशन को स्टडी करें. ये ऑब्जेक्टिव रहता है फर्टिलाइजेशन को अंडरस्टैंड करें कि वो क्या होती है. और उसके बाद बेटे हम ये 10, 11, 12 और 13 ये चीजें डिस्कस करेंगे. कल की क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं. हम देखेंगे कि बेबी कैसे फॉर्म होता है, बेबी अपनी फूड कैसे लेता है और कुछ वायरसेस जो है वो फीटस तक पास हो सकते हैं. तो कल हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह ताला खत्म होगा. आप लोगों की जो इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं बच्चे, आप बेटे ये ऑनलाइन में पढ़ेंगे और जो ऑनलाइन वाले बैठे हुए मेरे सामने वो कल ये फिजिकल क्लास में मेरे साथ पढ़ेंगे. तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर को खत्म करेंगे. राइट.